بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان المستبين جاء بالنور المبين، مرحبا بالتائبين، مرحبا بالعابدين، في صلاة الخاشعين، في رحاب الذاكرين. رمضان 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 القانتين. अगर कोई झूठ बोलने से बाज न आए तो उसका रोजा बर्बाद। और जो शिर्क की दावत देता है, शिर्क की अकायद रखता है, शिर्क पे अमल करता है, वो तो कायनात का सबसे बड़ा फितना है। उसका रोजा कैसे कबूल होगा? रमजान के अंदर एक और बड़ा प्यारा अमल जो इंसान के गुनाहों का कफारा बन जाता है, जिस पे खास तवज्जो की जरूरत है, वो अल्लाह के लिए क़याम करना, तरावी पढ़ना, तहज्जुद पढ़ना, नवाफिल पढ़ना। बुखारी और मुस्लिम में प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम का फरमान, मन क़ामा रमज़ान, जो रमज़ान में क़याम करे। बुनियादी शर्तें साथ चल रही हैं और आखिर तक चलेगी। क़याम करने वाला कौन हो? मोमिन हो, मुशरिक ना हो, सवाब की उम्मीद रखता हो, लोगों को दिखलाने के लिए। कई लोग रोज़ा भी लोगों को दिखलाने के लिए रखते हैं ना, और जी मैंने सब रोज़ा इसलिए रखा है, अगर ना रखूंगा तो वो कंपनी में दोस्त क्या कहेंगे, हट्टा कट्टा होकर रोजा नहीं रख रहा। कुआं समझते हो ना, कुआं उसमें पानी होता है, कुएं से जितना पानी निकाल लो तो नीचे से ताजा पानी और आता है या नहीं जी? और जिस कुएं से पानी का डोर ना निकाला जाए वो खड़ा खड़ा बो मार जाता है, उसमें तो और नहीं आता ना। ये मिसाल है सदके की, जो अल्लाह के लिए अपनी जेब से निकालता है, अल्लाह उसकी जेब में उससे ज्यादा डाल देता है। रमज़ानुल मुस्तबीन जाअ बिन्नूरिल मुबीन, मरहबन बित्तैबीन, मरहबन बिल आबिदीन, في صلاة الخاشعين، في رحاب الذاكرين. رمضان 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 القانتين. رمضان المستبين جاء بالنور المبين، مرحبا بالتائبين. उसके बाद आज हमने जिस शख्सियत को अपने इस प्रोग्राम और जलसा में दावत दी है, वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आप एक मशहूर मारूफ मुबल्लिग और दीन इस्लाम के दाई हैं, जिस तरह आप सामईन सुनने वालों में मकबूल और मारूफ हैं, इसी तरह हल्का है अहबाब और मशायख में भी आपको इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा जाता है। मेरा इशारा फजीलत शेख सैयद तौसीफुर रहमान राशिदी साहिब हाफिज अल्लाह ताला की तरफ है। अल्लाह ताला जल्ला शानहू से ये दुआ है कि अल्लाह ताला जल्ला शानहू शेख मोहतरम के इलम में, अमल में, उम्र में बरकत अता फरमाए और हर किस्म के शर व शरूर से और दुश्मनों से आपकी अल्लाह ताला जल्ला शानहू हिफाजत फरमाए, और आप से ज़्यादा कुरान व सुन्नत की दावत का अल्लाह ताला जल्ला शानहू काम लें और उस काम को फिर कबूल व मकबूल फरमाए। बगैर किसी तारीफ ताखीर के मैं शेख मोहतरम को दावत देता हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपने मौजू रमज़ान मुबारक का इस्तकबाल कैसे करें, इस मौजू पर आप दोस्तों के सामने खिताब फरमाएँ। अल्लाह ताला जल्ला शानहू हमें सही मानों में कुरान सुन्नत को सुनकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो कहा जाए सुना जाए, अगर कहने सुनने में जो गलती बताई हो जाए वो माफ़ फरमाए। तो जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसन जज़ा। आप दोस्तों के सामने तशरीफ़ लाते हैं सैयद तौसीफ़ुर रहमान राशिदी साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला, और आज उनका जो मौजू है
और मेरे जुमले को याद रखिए, गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह, गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह एक अल्लाह मालिक व खालिक की ज़ात व सिफ़ात व इबादत में किसी और को शरीक करना, ये सबसे बड़ा गुनाह। सही है कि रमजान आने से पहले इंसान को तौबा करनी चाहिए, गुनाहों पे तौबा। कोई बेनमाज है तो तौबा करे, कोई झूठ बोलता है तो तौबा करे, कोई चुगली और गीबत का रस्सिया है तो तौबा करे, किसी के दिन और रात डिशीने की गंदी महफिलों में गुजरते हैं तो वो तौबा करे, कोई फिल्मों का रस्सिया है तो वो तौबा करे। दुरुस्त है ये बात, लेकिन इन तमाम गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह वो अल्लाह की दार में, अल्लाह की इबादत में किसी और को साथी और साझी बनाना है, तो रमजान के आने पे सबसे पहले शिर्क अकबर से तौबा कीजिए। ये माथा, ये पेशानी जिसको अल्लाह खालिक ने पैदा किया अपनी इबादत के लिए, अगर ये माथा किसी दरबार पे, किसी कब्र पे, किसी मंदिर पे, किसी बुत पे, किसी सनम पे, किसी हजरत व शेख व मुर्शिद के सामने झुकती है तो तौबा कीजिए कि ये पेशानी इंसान की इंसानों के सामने नहीं झुका कर। प्यारे हबीब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा हो अभी मरूमी, एक सहाबी आते हैं प्यारे हबीब के सामने सजदा करते हैं। आप पूछते हैं तूने ये क्या किया? कहा मैंने कैसर व किसरा के बादशाहों को देखा, उनके सामने पेश होने वालों को देखा, वो आते हैं अपने बादशाह के सामने माथा टेकते हैं, तो मेरे जी में आया अगर धरती में किसी मखलूक के सामने सजदा हो सकता है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे हबीब पूछते हैं ऐ मेरे सहाबी, अगर तू मेरी कब्र के पास से गुजरेगा तो उसको सजदा करेगा? कहा नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कहा फिर मुझे भी सजदा ना कर, ये सजदा हक है सिर्फ अर्श वाले अल्लाह। अगर इस्लाम में किसी और को सजदा करने की इजाजत दी जाती तो बीवी को हुक्म होता अपने खाविन को सजदा करे, लेकिन शरीयत इस्लामिया सजदे को हराम करार देती है, एक अल्लाह के अलावा अगर किसी और के लिए किया जाए। तो प्यारे भाई, जब प्यारे हबीब के लिए सजदा नहीं हो सकता, आपने उस सहाबी को मना कर दिया और अपनी कब्र के बारे में सवाल किया कि मेरी कब्र के पास से गुजरे तो क्या सजदा करेगा, तो कहना वो कौन से कादरी साहब है, वो कौन से हजरत साहब है, वो कौन से पीर साहब है, वो कौन से शेख साहब है जिनके लिए सजदा रेज की हो, जिनके कदमों में माथे को रखा जाए, जिसकी कब्र पे आके अपने माथे को खाक आलूद किया जाए। तौबा कीजिए गैरुल्लाह की इबादत से, तौबा कीजिए गैरुल्लाह को पुकारने से। रमजान के आने से पहले अगर कोई या अली मदद का नारा लगाता रहा, रमजान के आने से पहले अगर कोई या रसूल अल्लाह मदद के नारे लगाता रहा, रमजान के आने से पहले अगर कोई बहावर हक बेड़ा हक की आवाजें बुलंद करता रहा, पंचर बाप को पुकारता रहा, पीरों फकीरों की सदाएं देता रहा, तो अल्लाह के लिए तौबा कीजिए। अगर आपने इसी शिर्क की हालत में रोजे रखे तो रब मोहम्मद की कसम खाकर कहता हूं मुशरिक का रोजा अल्लाह कबूल नहीं करता। अपने दामन को पाक कीजिए शिर्की खलासतों से। अल्लाह की ताब में ईमान लाइए कि कुल हु अल्लाह अहद की तराना मोहम्मद करीम ने पढ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आवाज लगाया अहले मक्का के सामने, अल्लाह अहद है, यकता है, तन्हा है, अकेला है, वो अपनी दाद में तन्हा है, कोई उसका शरीक नहीं है, कोई उसका बेटा नहीं है, कोई उसकी बीवी नहीं है, कोई उसके नूर का टुकड़ा नहीं है, कोई नूर में नूर अल्लाह नहीं है, कोई दुनिया के अंदर अल्लाह की अक्स और सूरतें लेकर जमीन पे नहीं आया हुआ, वो तन्हा, वो यकता है, वो अपनी इबादत में भी अकेला है, उसकी इबादत में भी किसी को हिस्सेदार और शरीक नहीं बनाया जा सकता। सच्ची तौबा कीजिए, शिर्क से अपने आप को बचाइए, बिदआत से अपने आप को बचाइए। आपने देखा नहीं बच्चों को, कुछ बच्चों के हाथ में रेसियारी हो, खुले पैसे हो, जैसे पंजाबी जुबान में ठिप्पा कहा जाता है, वो दूसरे बच्चे को छेड़ने के लिए ठिप्पे बजाता है,
और दूसरा बच्चा मुकाबले वाला शरारती, उसके पास पैसे ना हो तो वो क्या करता है? पैसे नहीं है जेब में, वो पेप्सी के ठेकेट इकट्ठे कर लेता और अपनी जेब में डाल के वो बजाता है, तो मेरे को भी है कल तेरी जेब ही भरी। और बच्चा अगर अकलमंद हो तो उसकी जेब पे हाथ लगाता है, कहता है ये पैसे नहीं है, पेप्सी के ढक्कन। पेप्सी के ढक्कन कौन बजाता है? जिसकी जेब में पैसे ना हो। बिदात की राह पे कौन चलता है? जिसको मोहम्मद की सही हदीसों का इल्म ना हो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जिसको प्यारे हबीब के अमल मिल गए, जिसको प्यारे नबी की जिंदगी गुजारने के तरीके कार मिल गए, आपके यहाँ वफात का वक्त भी आया, सैयदा खदीजा फौत हुई, आपके यहाँ विलादत का वक्त भी आया, आपके यहाँ शादी का वक्त भी आया, रुखसती का वक्त भी आया, वलीमे का वक्त भी आया, प्यारे हबीब ने कैसे जिंदगी गुजारी, प्यारे हबीब की जिंदगी में रबी अव्वल भी आया, प्यारे हबीब की जिंदगी में माह मुहर्रम भी आया, प्यारे हबीब की जिंदगी में रजब का महीना भी आया। क्या अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम ने रबी अव्वल में जुलूस निकाले, क्या सहाबा ने भंगड़े डाले, क्या बैतुल्ला के मॉडल बना के मदीने की गलियों में रेडियो में रख के घुमाए गए? नहीं। तो आपके पास तो ओरिजिनल मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की सीरत है, हमें बिदअत के रास्ते पे चलने की जरूरत, बिदअत से तौबा कीजिए। हर अमल के करने से पहले रुक जाइए, चेक कीजिए ये अमल प्यारे हबीब के प्यारे फरमान से साबित होता है या नहीं, ये मुस्तफ़ा के प्यारे अमल से साबित होता है या नहीं। और वजरना एक बात कह के आगे चलता हूँ, मैं अपनी और आपकी बात नहीं करता, अगर सहाबी रसूल का अमल मोहम्मद की हदीस से टकरा जाए, प्यारे नबी के अमल के खिलाफ हो जाए, अल्लाह सहाबी के अमल को भी कबूल। अमल मेरा और आपका नहीं है, शेख और मुल्ला का नहीं है, अमल मोहम्मद के प्यारे सहाबी का है, सल्लल्लाहु मेरे प्यारे हबीब का नाम आए तो मोहब्बत से कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा। और फायदा क्या होगा? आप एक दफा कहोगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अपनी 10 रहमतों का नज़ूल आप पे फरमाएंगे। अल्लाह के लिए आहरा मिसाल समझाने के लिए मिसाल दूं, किसी का मुदीर कफील ऐलान करे कि सुबह जो 1 रियाल मुझे देगा 10 रियाल वापस करूंगा उसे, ये दफ्तर देखो लाइन टूटेगी, कई तो लेके फिर लाइन में लग जाएंगे, इनको कीड़ा पता लगना है। और बांध जाऊं अपने रब की रहमतों पे, वो मालिक फरमाता है मेरे हबीब के बारे में एक दफा कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नकद 10 नेकी उनसे ले लो, 10 रहमतों का नज़ूल टूटे होगा। तौबा कीजिए बिदअत से, हर अमल से पहले रुकिए, सोचिए, प्यारे हबीब ने इसका हुक्म दिया है, करके दिखाया है, सहाबा को सिखाया है, फिर गुनाहों से तौबा कीजिए। आगे वो कौन से आमाल हैं जो हम इस रमजान के मुबारक महीने में कसरत से करेंगे तो अल्लाह की रहमत से हमारे दर्जात की बुलंदी भी होगी और गुनाहों का कफारा भी होगा। उनमें सबसे अज़ीम आमल रमजान का रोज़ा है। याद कर लीजिए, जो बगैर उज़र के रमजान का एक फर्ज रोज़ा छोड़ देता है बगैर उज़र के, ना मुसाफिर है ना बीमार है, कोई शरीय उज़र नहीं है, वैसे जी में आया कि आज रोज़ा नहीं रखना चाहिए, अब वो इस रोज़े की कफारे के तौर पे जिंदगी भर भी रोज़ा रखेगा तो उस एक रोज़े की कमी पूरी नहीं हो सकती। बुखारी मुस्लिम में प्यारे हबीब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि इब्ने आदम की हर नेकी के बदले में अल्लाह 10 700 गुना और जहाँ तक चाहता है बढ़ा देता है, लेकिन मालिक रोजे के बारे में क्या फरमाता है? इल्लस्सियाम फइन्नहु ली, सिवाय रोजे के आदम के बेटे की हर नेकी को 10 और 700 गुना तक बढ़ाया जाता है जिसके लिए अल्लाह चाहता है, सिवाय रोजे के। और रोजे के बारे में मालिक फरमाता है फरिश्तों, मेरे बंदे ने रोजा मेरे लिए रखा है, इसकी जजा भी क़यामत के दिन में होगा। जब रोजेदारों के लिए जन्नत के खास दरवाजा खोला जाएगा और रोजेदारों से कहा जाएगा इस दरवाजे में से जन्नत में दाखिल हो जाओ, उनके अलावा फिर कोई और उस दरवाजे से दाखिल, प्यारे हबीब ने फरमाया था अलैहिस्सलाम जन्नत के दरवाजे हैं
वो दरवाजे अपने अमल करने वालों को पुकारेंगे, कोई जिहाद का नवाबा होगा, वो बाबू रेहान रोजेदारों का होगा। सिद्दीक अकबर तेरी अजमत में कुर्बान जाओ, पूछते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बंदा गुजरेगा तो एक ही दरवाजे से, कोई ऐसा खुश नसीब भी होगा जिसको जन्नत का हर दरवाजा कहे, मेरे अंदर दिल आ जाए, मेरे पास से निकल जाओ, मेरे यहां से जन्नत के मेहमान बन जाओ। कोई बंदा ऐसा भी है, कहा हाँ अबू बकर तो उन्हीं लोगों में से है जिसको जन्नत का हर दरवाजा पुकार कर कहेगा मेरे अंदर से जन्नत। सिवाय रोजे के ये रोजा खास अल्लाह के लिए है, अल्लाह फरमाता है मैं ही इसकी जजा दूंगा। रोजे के अंदर इखलास जितना ज्यादा मजा आता है शायद किसी और इबादत में इतना इखलास। नमाज इंसान पढ़ रहा, हर बंदा को देख रहा है ना नमाज पढ़ रहा, और दाएं बाएं कोई मुदीर साहब खड़े हैं, चौधरी साहब खड़े हैं, बंदा थोड़ा बना के पढ़ता है कि उसको भी तसल्ली हो जाए, बड़ा हाजी लख लग जाए, टिक के नमाज पढ़ता है, आपके तस्वीर लेके घूम रहा है, हर किसी को नजर आ रहा है तस्वीर लेके फिर रहा है, ये रियाकारी है ना, सुन्नत के खिलाफ भी है। प्यारे हबीब ने हाथ में ना तस्वीर ली ना सहाबा को दी, अगर प्लास्टिक के मोती उस दौर में नहीं थे, खजूर की गुठलियां तो थी, पत्थर तो थे, बनाई तो जा सकती थी, लेकिन ये सुन्नत तरीका नहीं है, ये प्यारे हबीब से साबित नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी जिंदगी से जो अमल साबित है वो करने में अजर है, ज्यादा काम करने में अजर नहीं। इस्लाम का असूल याद रखिए, ज्यादा काम करने में अजर नहीं, मसनून काम करने में अजर है। लेकिन जब रोजा इंसान रखता है तो खालिस अल्लाह और बंदे का मामला है। आप कमरे के अंदर हो, कोई और आदमी भी नहीं है, फ्रिज के अंदर ठंडे जूस और पानी पड़ा है, पियोगे जी? क्यों? रहमान ने रोका था। ये खास इखलास वाला मामला है, और मालिक फरमाता है ये रोजा मेरे लिए है, इसकी जजा भी मैं दूंगा। बुखारी और मुस्लिम में प्यारे हबीब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तवज्जो से इस हदीस को सुनिएगा और आखिरी गुफ्तगू के आखिरी कोने तक इन अल्फाज को अपने दिलो दिमाग में ताजा रखिएगा। मन सौम रमजान ईमान व इहतसाब غفر له ما تقدم من ذنبه। जो इंसान रोजा रखे रमजान का, क्या हर रोजेदार के गुनाह माफ होंगे? क्या हर रोजेदार बाबू रेहान से जन्नत में जाएगा? क्या हर रोजेदार को बदला क़यामत के दिन मालिक देगा? शर्त लगाई है मेरे रब ने, प्यारे हबीब की मुबारक जुबान से दो शर्तें गिनवाई है मेरे अल्लाह ने। जो रमजान का रोजा रखे, शर्त क्या है? ईमान व इहतसाब, मोमिन हो, मोमिन हो, मुशरिक का रोजा मेरा अल्लाह कभी कबूल नहीं करता। वरना इस्लाम के आने से पहले आशूरे का रोजे का रिवाज था, लोग रोजा रखते थे। ईमान है तो रोजे कबूल, और अगर शिर्क की लानत मौजूद है, खैरुल्लाह की इबादत करते हैं, कब्रों का तवाफ होता है, मुर्दों को पुकारा जाता है, उनको दाता और गजबश गरीब नवाज और बंदा नवाज और बंदा परवर समझा जाता है, उनको गौस के आसम सबसे बड़ा मददगार समझ के पुकारा जाता है और रोजा भी रखा जाता है, तो रब्बे मोहम्मद की कसम उस रोजे का फायदा किसका रोजा अल्लाह के यहां कबूल होगा? कौन अजर पाएगा? जो हालत ईमान में हो, जो मोमिन हो, जो मुश्रिक अल्लाह वो जात है जो अपनी जात और सिफात और इबादत में किसी की हिस्सेदारी को बर्दाश्त, शराकत को बर्दाश्त। अल्लाह के लिए आला मिसाल समझाने के लिए शराकत में एक मिसाल दे दूं, अरे वो तो खालिक व मालिक है। इंसान अपनी इज्जत और गैरत में किसी की शराकत बर्दाश्त नहीं कर पा करता है जी। निकाह करते हो ना, शादियां करते हो, बीवी कबूल करके घर लाते हो, और किसी की शादी होने लगे ऐसी लड़की से जिसके लिए वो 10 साल से दुआएं मांगता आ रहा है, कर रहा मेरा ब्याह जदों भी हुए फलानी नाल हो, बहुत खूबसूरत है, बड़ी पसंद वाली है, आइडियल औरत है, जी चाहता है मेरा निकाह वहां हो जाए, और बात भी पक्की हो गई। लेकिन वो मुहतरमा निकाह से आधा घंटा पहले आपको फोन करके कहे जी
चौधरी साहब, शेख साहब, शाह साहब, खान साहब, हाजी साहब, मैं आपके साथ निकाह के लिए तैयार हूँ। बस एक शब्द है और वो शब्द ये है कि हफ्ते के सारे दिनों में मैं आपकी बीवी रहूँगी और एक दिन दो घंटे के लिए मैं कहीं और जाया करूँगी और वो सबका मंगेतर से भी हेलो हेलो है उसको भी सलाम कर आया करूँगी। रिश्ता कबूल होगा? बोलो, कबूल करोगे? ये जन्नत से आई हुई हूर हो तो कबूल करोगे? कोई खान साहब होगा तो पैर ही मार देगा। मारा मरो, दफा हो जाओ, जिधर जाती हो उधर जाओ, हमें तुम्हारा जरूरत नहीं है। ये तुमने क्या कह दिया कि दो घंटे के लिए किसी और के पास? सोचिए, आपने बीवी को पैदा किया? जी, पैदा किया बीवी को, राशि को, खाली को, मालिक को उसके? नहीं, सिर्फ कबूल 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 कह के उसे घर लाए हो ना। 3 तोला सोना अखमेर तस्लीम करके जो पहली रात ही अंगूठा देके कर माफ मैनू। बीवी कहती ठीक है जी, माफ कर दी, तू नाराज ना हो, मैंने हक मेहर माफ किया। अक्सर खा जाते हैं ना, और जो अपनी बीवियों का हक मेहर ज्यादती करके खा जाए, क्यामत के दिन बदकारों की सख्त खड़ा होगा। हक मेहर देके 3 तोले 4 तोले आप उसे घर में लाए, खालिक मालिक राजिक उसके आप नहीं हो, वो किसी और को आपके बिस्तर का शरीक बनाना चाहे, तलाक दे दोगे, कत्लोकारत हो जाएगी। अरे उस रब के बारे में कभी भी नहीं सोचा जो माँ के पेट में रिजल्ट देता रहा, जिसने माँ के पेट से तुझे निकाला, माँ की छातियों पे दूध तेरे लिए पैदा किया, जिसने माँ के दिल में तेरी मोहब्बत को जगाया, जिसने तुझे पैदा ही अपनी इबादत के लिए किया। अब तू कहता है कि वो भी दाता है और लालवाना भी दाता है, वो भी गंज बख्श है और बाबा अजमेरी भी गंज बख्श है, वो भी गरीब नवाज है और अजमेर वाला भी गरीब नवाज है, वो भी बंदा परवर है और जेसू दराज भी बंदा परवर है, वो भी देता है और खाजा भी देता है। मैं सुन्नी अकीदत वाला हूँ, तू क्यों मुझसे जलता है? हिकमत का सारा जमाना खाजा के दर पे पलता है। अपनी बीवी की इज्जत में तो शराकत को पसंद नहीं करते, मेरे अल्लाह की इबादत में गैरों की शराकत को अल्लाह कैसे पसंद करेगा? من صبر رمضان ایمانا واحتسابا, جو رمضان کا روزہ رکھے مومن ہو کر, مشرک ہو کر نہیں, بدعقیدہ ہو کر نہیں, غیروں کا پجاری ہو کر نہیں, نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ثواب کی امید بھی رکھتا ہو, غفر له ما تقدم من ذنب, اللہ اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ پیارے عمل کا بدلہ کس کو ملنا ہے؟ صحیح بخاری کی یہ روایت سنیے, جس نے روزہ رکھا جھوٹ بولنے سے باز نہیں آیا, جس نے روزہ رکھا اور جھوٹ بولنے سے باز نہیں آیا, جھوٹی بات کہنے سے باز, جھوٹ پہ عمل کرنے سے باز نہیں آیا, اللہ کو کوئی ضرورت نہیں یہ بھوکا رہے یا پیاسا رہے, اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں۔ روزے دار اگر جھوٹ بولے تو روزہ اس کا برباد ہوا یا نہیں؟ اگر وہ جھوٹ بولے, جھوٹ بولے یہ کہے فلاں نے آپ کو گالی دی اور اس غریب نے گالی نہ دی, ہو جھوٹ ہوا نا۔ زندگی کے معاملات میں جھوٹ بولے تو روزہ برباد, اور جو روزہ رکھ کر لوگوں کو یہ درس دے کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے, پیروں کی موڑتا نہیں ہے, یہ جھوٹ نہیں ہے۔ ارے یہ تو سب سے بڑا جھوٹ ہے جو اللہ پہ الزام لگاتا ہے کہ اللہ عوام کی سنتا نہیں ہے, پیروں باتوں کی موڑتا نہیں ہے, ہماری تمہارے آگے, تمہاری اس کے آگے۔ آؤ اللہ کے در کو چھوڑ کر بابوں کے در پہ جھک جاؤ, یہ اللہ کے لاڈلے ہیں, یہ اللہ کے رتے ہوئے ہیں, یہ اللہ کے پہنچنے والی ہیں, یہ اللہ سے لے کر دیتے ہیں, اللہ ٹریکٹر نہیں دیتا, اس سے بڑا کوئی اور جھوٹ بھی ہوگا؟ سلیمان علیہ السلام لشکر کو لے کے چل رہے ہیں بارش کا سوال کرنے کے لیے, اور جہاں پر آ کے سوال کرنا تھا اللہ ایک چھوٹی کا منظر دکھاتا ہے, جس نے پشت کو زمین پہ تپتے ہوئے ریت پہ رکھا ہوا ہے, ٹانگوں کو آسمان کی طرف بلند کیا ہوا ہے اور زبان سے کہہ رہی ہے یا رب انی خلق, اللہ میں بھی تیری مخلوق ہوں, جہاں سلیمان نبی تیری مخلوق ہے, چیونٹی بھی تیری مخلوق ہے, اس کو پیاس لگی ہے, مجھے پیاس لگی ہے, اس نے پانی مانگنا ہے, میں بھی پانی مانگ رہی ہوں, وہ بھی تیرے در کا منگتا ہے, میں بھی تیرے در کی منگتی ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کہتے واپس چلو, ساتھی کہتے ہیں بارش کی دعا کو کر لو۔ جھوٹ بولنے والوں کہ رب ساڈی سنتا نہیں ہے,
मोड़ता नहीं। जब आप सुनिए सुलेमान अलैहिस्सलाम का, नबी के मांगने से पहले चींटी ने मांग लिया है, नबी के मांगने से पहले एक चींटी ने मांग लिया है, रब ने नबी से पहले उसकी सुन के सबको मिला लिया। अगर कोई झूठ बोलने से बाज ना आए तो उसका रोबा बर्बाद, और जो शिर्क की दावत देता है, शिर्क की अकायद रखता है, शिर्क पे अमल करता है, वो तो कायनात का सबसे बड़ा झूठा है, उसका रोबा कैसे कबूल होगा। अपने दामन को पाक कीजिए इन खलासतों से, इन बदरफीदगियों से, रोजे का ख्याल कीजिए। रोजा रखने के बाद जुबान से गंदे जुमले ना निकले। प्यारे हबीब कितना प्यारा दरस दे रहे हैं, अगर तुमसे कोई लड़ाई करे, अगर तुमसे कोई झगड़ा करे, मारा पीटी पे उतरे, तो जवाब में क्या कहो, मैं रोजेदार हूं। मैं क्या हूं, मैं रोजेदार हूं। मेरे हाथ के भी रोजा है, मेरी आंख का भी रोजा है, मेरे पेट का भी रोजा है, मेरे मुंह का भी रोजा है, मेरी जुबान का भी रोजा है। भाई तू लड़ना चाहता है तेरी मर्जी, लेकिन मैं अपनी जुबान से तुझे वो बातें नहीं कह सकता जो तू मुझे कह रहा है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु मर्दा, एक यहूदी उसे झगड़ता है और गालियां देता है, सिद्दीक अकबर खामोश खड़े हैं। प्यारे हबीब सिद्दीक अकबर को देख रहे हैं, मुस्करा रहे हैं, यहूदी गालियां दे रहा है। अबू बकर सिद्दीक ने भी एक जुमला उसको दोहरा दिया जो उसने कहा, उसे लौटा दिया। प्यारे हबीब चल पड़े, सिद्दीक कायनात कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक वो गालियां देता रहा मैं खामोश रहा, आप मुस्कुराते रहे, और अब मैंने अगर उसको जवाब दे दिया, आप चल पड़े। कहा अबू बकर, जब तक तू चुप रहा फरिश्ता जवाब देता रहा, तू बोल पड़ा फरिश्ता खामोश हो गया। तो बहादुरी जवाब देने में है या खामोश रहने में? झगड़े को खत्म करना, लड़ाई को खत्म करना, ये शरीयत इस्लामिया का दर्स है। प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर कोई सच्चा होने के बावजूद अपने हक को छोड़ देता है, कोई कहे ये कलम मेरी है, ये 50 रियाल मेरे हैं, ये चीज मेरी है और वो उसकी नहीं है, लेकिन जिसकी है वो सच्चा भी है, हकदार भी है, अपना हक सिर्फ इसलिए छोड़ता है कि झगड़ा ना हो, लड़ाई ना हो, मोहम्मद करीम फरमाते हैं ऐसे बंदे को मैं जन्नत में चबूतरे की गारंटी देता हूं। बंदा झगड़ा ना भी करना चाहे तो यार दोस्त चुप चुका के मरा देते हैं, लड़ाई हुई है चुप करके आ गया, अब कोई इसकी तारीफ नहीं करेगा, आपने बहुत बहादुरी की, आप खामोश हो गए, असल बहादुर यही है जो गुस्से में मैं जो अच्छे होंगे तो मैं मत्था पाड़ गया, तेरे वर्गा गुस्से में दौरा खा गया, शर्म नहीं दे, बजाय उसकी आप हौसला अफजाई करें कि आपने झगड़े को मिटा दिया, बड़ा अच्छा किया, गाली का जवाब गाली से नहीं दिया, मेहरबानी आपकी है, अच्छी अखलाक की निशानी है, उसे और तोड़ना लगे, मैं जो करना तो मैं फिर दास था। बंदा कहता है कि मैं ही गलत करके आया हूं, वो घर से निकल के फिर सर फाड़ गया, ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम की तालीम नहीं है, ये प्यारे हबीब की सीरत नहीं है। प्यारे हबीब का फरमाते हैं रोजेदार, अगर तुझसे कोई लड़ाई करे उसकी गाली का जवाब गाली में ना दो, बल्कि उसे कहो मैं रोजे से हूं। रमजान के अंदर एक और बड़ा प्यारा अमल जो इंसान के गुनाहों का कफारा बन जाता है, जिस पे खास तवज्जो की जरूरत है, वो अल्लाह के लिए कयाम करना, तरावी पढ़ना, तहज्जुद पढ़ना, नवाफिल पढ़ना। बुखारी और मुस्लिम में प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम का एक फरमान, मन कामा रमजान, जो रमजान में कयाम करे, बुनियादी शर्तें साथ चल रही हैं और आखिर तक चलेगी, कयाम करने वाला कौन हो, मोमिन हो, मुशरिक ना हो, सवाब की उम्मीद रखता हो, लोगों को दिखलाने के लिए, कई लोग रोजा भी लोगों को दिखलाने के लिए रखते हैं ना, जी मैंने असल रोजा इसलिए रखा है, अगर ना रखूंगा तो वो कंपनी में दोस्त क्या कहेंगे, हट्टा कट्टा होकर रोजा नहीं रख रहा, तो इसलिए बेहतर है कि रोजा ही रख दिया जाए। इस रोजे का सवाब जो आपने लोगों को दिखाने के लिए रखा है, इस तरावी का सवाब जो आपने लोगों को दिखाने के लिए, अहले ईमान की हालत क्या हुआ करती थी, वो इबादत करते थे अल्लाह को राजी करने के लिए। प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम जब सैयदा हफ्सा से नाराज हुए तो जिब्राइल ने आकर क्या कहा, रुजू कीजिए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नहा कवामतुन सवामा, हफ्सा अल्लाह को बड़ी पसंद है क्योंकि इसके अंदर दो बड़ी प्यारी खूबियां हैं, ये रोजे बहुत रखती है, कयाम बहुत करती है,
इबादत करना, तवाफ करना, हज करना, उमरा करना, कियाम करना, रोजे रखना, ये अल्लाह की रजा के लिए था। आज तब्दील होता जा रहा है हर चीज लोगों के दिखलाने के लिए। आपने देखा नहीं, आपको हज उमरे का मौका मिले आज से 10-15 साल पहले, नोट किए, आपको तवाफ करते हुए लोग रोते हुए नजर आते थे, आंखों में आंसू होते थे। आज तवाफ करते हुए क्या हाल होती है, वो दूसरे को कैमरा पकड़ाया होता है, वो तवाफ है, मैं हज उमरे जरा फोटो लाई, मेरा फोटो लाई। ये हाथ उठते थे अल्लाह को राजी करने के लिए, ये हाथ उठते थे अल्लाह से मांगने के लिए, ये हाथ उठते थे अपने गुनाहों की माफी का सवाल करने के लिए। आज ये हाथ उठते हैं अल्लाह से लोभी लगती कैमरे वाले को, सीधा भी जरा देखिए यहाँ ठीक है, पीछे गांव आया आगे कैमरा है, मैं हाथ छके हैं, ये ड्रामा नहीं है, ये अल्लाह के साथ मजाक नहीं है। क्या हमारी ये हरकतें नहीं है, ये हाथ उठा के तस्वीर क्यों उतरवा रहा है कि बड़ी सारी करवा के फ्रेम करवा के अपने इंडिया पाकिस्तान जाके बैठक में लगाऊंगा और इलेक्शन का सीजन आए तो कहूंगा देखो जी मैं हज करके आया हूँ, आपके वोटों का सही हकदार आज ही अल्लाह रखा। ये सारी इबादतें करके हमने दुनिया के चर्चे लेने हैं तो इससे बड़ी बदनसीबी और क्या होगी। याद कर लीजिए चर्चा होता है, चर्चे भी दो तरह के, एक चर्चा मैं भी सुना हूं। प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है, अल्लाह तुझे तेरे प्यारे नामों का वास्ता है, हम जितने बैठे हैं हम सबको अपने प्यारों में शामिल फरमा, अल्लाह हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, लेकिन अल्लाह हमारे माथे तुझे छोड़ के कभी किसी पापे के सामने नहीं झुके, अल्लाह हम शिर्क से बेसार हैं, और तुझे ला इलाहा इल्लल्लाह के इसी प्यारे अकीदे का अपने इस अमल का वास्ता बना के तेरे सामने सवाल ही है, मौला हमें भी उनमें शामिल कर ले जिनसे तू प्यार कर पा। अल्लाह जिससे प्यार कर ले सबसे पहले जिब्राइल को खबर देता है, जिब्राइल फुला इब्ने फुला मेरा महबूब है, मैं उससे मोहब्बत कर पाऊँ, जिब्राइल तू भी उससे मोहब्बत कर, जिब्राइल भी उससे मोहब्बत करता है, जिब्राइल सात आसमानों में चर्चा करता है, आवाज लगाता है, फरिश्तों को खबर देता है, फरिश्तों फुला इब्ने फुला अल्लाह का महबूब है, जिब्राइल का महबूब है, हर फरिश्ते पे लाजिम है अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करे, रोजा रख के अल्लाह के फरिश्तों में अपने नाम का चर्चा करवा लो आपकी मर्जी है, और लोगों में चर्चा करवा लो आपकी मर्जी है। जिसने रमजान में कयाम किया हाल के ईमान और सवाब की उम्मीद से अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। कुरान हकीम में अहले ईमान की कैफियत क्या बयान होती है, व इबादु रहमान الذين يمشون على الارض هونا, अल्लाह के बंदे रहमान के बंदे, और इससे प्यारा नाम क्या होगा जिनको अल्लाह अपना बंदा कहते हैं, रहमान के बंदे वो कैसे हैं जो जमीन पे चलते हैं तो बड़े नरमिजाजी के साथ, अकड़ के नहीं, सीधा काम के नहीं, मोटे मार के नहीं चलते, क्यों उन्हें पता होता है आज जमीन पे चल रहा हूं कल जमीन के पेट में भी जाना है, वो झुक जाता है। झुकता कौन है जिसको ईमान का फल मिल जाता है, और जो ईमान की लज्जत से महरूम होता है उसके दिल में झुकाव नहीं पकड़ाव रहता, और बंदे की आकड़ अल्लाह को पसंद। मिसाल देकर समझाओ, आपने बेरी का दरख्त या आम का दरख्त देखा है ना, जब आम के दरख्त को फल लगता है वो झुकता है या नहीं, टहनी नीचे आ जाती है, झुक जाता है फल लगने से, जिस दरख्त को फल लगे वो झुक जाता है। और सफेदे का दरख्त भी देखा है आपने, सफेदा वो झुकता है, वो टोंडे मोंडे सीधा होते जाता है आसमान में चढ़ रहा है, झुकता क्यों, सफेदे को फल नहीं लगता, सफेदे को आम अजवाना तरबूजा सफेदे को कुछ नहीं, वो टोंडे मोंडे सीधा ऊपर जाता है। अब मैं अपनी कैफियत देखूं, अपनी आप अपनी कैफियत देखें कि हमारे अंदर झुकाव है या अकड़ाव है। अगर तो ईमान का फल लग गया तो इंसान झुक जाता है, उसे गरीब आदमी मिलता है तो उसको भी मोहब्बत से सीने लगाता है, फकीर मिलता है उसको भी सीने लगाता है, गरीब आदमी मिलता है उससे भी पूरा हाथ मिलाता है, अमीर मिलता है तब भी पूरा हाथ मिलाता है, क्यों, वो
वो जानता है जिस अल्लाह ने इसको फकीर बनाया है वो मुझे भी बना सकता, जिस अल्लाह ने इसको अंधा पैदा किया है वो मेरी बिनाई भी छीन सकता, जिस अल्लाह ने इसको कदमों से टांगों से महरूम किया है वो मेरे चलते हुए कदमों के फालिज गिरा सकता है, वो कभी अकड़ता नहीं है। और अगर ये हो कि मेरे बराबर का आदमी आए तो मैं सीना चौड़ा करके मिलूं और गरीब आए तो तीन उंगलियों को सलाम लेके अगले का चल पीछे होगा, देखो तीन हाथ से तीन उंगलियों से सलाम करने वाले, तो इसका मतलब है मेरे दिल में ईमान का फल पैदा, उसका लायका पैदा। मोमिन के लिए एक ही रिश्ता है, ये बंदा मोमिन है उसको अपने सीने से लगाता है, उसके दिल में बुग्ज नफरत अदावत होती है तो सिर्फ अहले शिर्क के खिलाफ होती है, मोमिन के खिलाफ दुनिया के कफर फर्क को देखकर उसके दिल में इज्जत और एहतराम के मामले। एक शख्स गुजरा प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने देखा, जिसे हमारी जुबान में कहते हैं बड़ा सूटेड बूटेड आदमी, वेल ड्रेस। आपने पूछा मेरे सहाबा इसके बारे में क्या ख्याल है, कहा कि अपने कौम का बड़ा इज्जतदार आदमी, किसी के घर जाए तो मजलिस खोल दी जाएगी, किसी के घर से रिश्ते का सवाल करे तो फौरन कबूल होगा, किसी की सिफारिश कर दे तो मान ली जाएगी। प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। फिर एक आदमी गुजरा जिसे हमारी जुबान में कहा जाएगा बड़ा बंदा, कमजोर सा आदमी, आम सा लिबास। प्यारे हबीब ने फरमाया इसके बारे में क्या ख्याल है, अपनी कौम का बड़ा ही गरीब बंदा है, बहुत कमजोर आदमी है, किसी की सिफारिश करे तो मानी नहीं जाएगी, रिश्ता मांगे तो इनकार होगा, किसी के घर जाए तो मजलिस ना खुले। फरमाया मेरे सहाबा सुनो, ये गरीब आदमी, ये कमजोर आदमी अगर अल्लाह पे कसम डाल दे कि अल्लाह मेरा ये काम जरूर कर दू, यह कसम है, अल्लाह इसकी कसम की भी लाज रखता है। यहां कीमतें ईमान की लगती है, यहां कीमतें जात और कौम और बिरादरी की नहीं लगती। जिस बुत को हमने अपने सीने में सजा के रखा हुआ है, पठान की बेटी है पठान आएगा तो रिश्ता दूंगा वगरना नहीं, सैयद की बेटी है तो सैयद सादे से निकाह करूंगा वगरना नहीं, मुगल हूं राजपूत हूं पंजाबी हूं बलोची हूं अफगानी हूं, मेरे नजदीक मेरी कौम मेरी बिरादरी मेरा वतन अजीज है, ईमान अजीज नहीं, तो समझ लो यहां पे एक सनम अभी तक जिंदा है। तौहीद रची बसी, जिसके दिल में तौहीद रच बस जाती है उसकी मोहब्बत का एक ही मियार होता है, ये ईमान वाला है और मेरी मोहब्बत ईमान वालों से है। पहले ईमान जमीन पे चलते हैं तो बड़े नरम दिली के साथ, नरम कदमों के साथ, झुके हुए आरसी के साथ। वइजा खातबहुल जाहिलून कालू सलामा, कहीं जाहिल से टांगरा हो जाए तो हर जाहिल की गाली का जवाब गाली से नहीं देते, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देते, बल्कि जो हला से कन्नी कतरा के इज्जत के साथ इकराम के साथ निकल जाते हैं। वल्लजीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन वक़ियामा, अहले ईमान इनकी रातें कुरान हकीम की आयत की रोशनी में मोमिनों की रातें क़ियाम और सजदे में गुजरती हैं। अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमाए, जिसकी रातें निशंदीने के सामने बैठे हुए गुजर जाएं, इंडियन फिल्में पाकिस्तानी फिल्में पश्तो फिल्में अंग्रेजी फिल्में देखते हुए गुजर जाए वो अपने आप को क्या कहेगा। अहले ईमान का जिक्र इबादतुर रहमान, जो अल्लाह के बंदे हैं उनका जिक्र कैसे हो रहा, वो रातें गुजारते हैं अपने अल्लाह के लिए सजदे और क़ियाम की हालत में। सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात का क़ियाम कभी ना छोड़ते, रात का क़ियाम तहज्जुद की नमाज कभी ना छोड़ते, अगर बीमार होते थके हुए होते खड़े होकर ना पढ़ सके तो प्यारे हबीब बैठ के ही पढ़ लेते। अगर अल्लाह के हबीब बीमार होते थके हुए होते उस हालत में भी तहज्जुद की नमाज तरक ना करते और बैठ के अदा कर लेते, प्यारे हबीब के कदम मुबारक सूज जाते। सैयदा कायनात मोमिनों की माँ आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो मासूम अनिल खता हैं, आपके अगले पिछले माफ हैं, कोई गुनाह के जिम्मे नहीं है, इतनी ज्यादा इबादत इतने लंबे क़याम इतने लंबे रुकू व सजूद आप क्यों करते हैं, आप तो अगले पिछले माफ हैं, मासूम अनिल खता है और आपके क़याम की ये कंडीशन है कि कदम मुबारक सूज गए। प्यारे हबीब का जवाब सुनिए, अल्लाह का वास्ता देकर अपने कानों की खिड़कियों को खोलिए, मेरे जुमलों को सिद्दीक़ा कायनात के जुमलों को अपने
अल्लाह ने मुझ पे इतना बड़ा करम किया है, मैं उसका इबादत गुजार शुक्र गुजार बंदा ना बनूं? क्या ना बनूं? शुक्र गुजार। बोलो बोलो, शुक्र गुजार बंदा ना बनूं? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? कायनात के सबसे अफजल इंसान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे हबीब फरमा रहे हैं, जिस अल्लाह ने मुझ पे इतना बड़ा एहसान किया है, मैं उसका शुक्र गुजार बंदा ना बनूं? तो क्या साबित हुआ? मोहम्मद रसूलुल्लाह नूर मिन नूरिल्लाह नहीं थे, मंजर थे अल्लाह के। मुझे कहने दीजिए, सारी कायनात मिलके इबादत करनी शुरू कर दे वो मोहम्मद के बराबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे हबीब की इबादत के बराबर कोई पहुंच सकता है? वो तीन सहाबी आए थे, तीनों ने नबी की इबादत का हाल सुना था और फिर अपने दावे किए थे, और आपने उनको रोक कर कहा था, मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह की इबादत करने वाला और सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूं। इबादत करके, मुजाहदे करके, रियासतें करके इंसान कभी अब्दियत के मकाम से उलूहियत के मकाम में नहीं जा सकता। इस हदीस से इस अकीदे का भी रद्द हुआ जो हमारे यहां सूफिया ने फैला रखा, जी आप नहीं मानते। वो पीर साहब अगर नजरे करम कर दे तो बंदा पहले फनाफी शेख होता है, फिर फनाफी रसूल होता है, और आखिर में फनाफी ला हो जाता है। पहले शेख का तसव्वुर करता है, तसव्वुर शेख में ऐसा बदल होता है, उसे हर शेख में शेख नजर आता है, फिर उसके बाद तसव्वुर रसूल में फर्क होता है, फिर वो फनाफी रसूल हो जाता है, और फिर इबादतें, मुजाहदे, रियाजतें, चिल्ले मार मार के, जिक्र कर करके, अंधेरों के अंदर शमशान की दरबे लगा लगा के, बिल आखिर बंदा एक वक्त आता है वो खुद अल्लाह बन जाता है, फनाफी ला हो जाता है। अरे मोहम्मद से बढ़कर इबादत किसने की होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? और प्यारे हबीब कह रहे आयशा, मैं उस अल्लाह का शुक्र गुजार बंदा ना बनूं? ये अकीदा कुफर का अकीदा है कि कोई इंसान फना फिल्ला हो जाता है। हाय हाय, हमारे यहां कई मौलवी शेर पढ़ देते हैं, फना फिल्ला की तह में बका का रात मुजमर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। ये कुफर का शेर, मजूस की साजिश है। और मुझे कहने दीजिए, अब्दुल्लाह इब्ने सबा शिया राफ़िदी यहूदी की साजिश, उसने सबसे पहले कहा था ना अली अली नहीं है, अली इलाह है, उसी अकीदे को लेकर सूफिया ने अहले सुन्नत की आवाम को गुमराह किया। एक साहब अपनी किताब फ़ज़ाइल सरकार सफा 558 कुतुबखाना फैज़ी जो लाहौर से छपी है, उसमें लिखते हैं, ऐ अल्लाह जो तू है वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तू है, मैं और तू खुद शिर्क दर शिर्क है। ये टिश्यू है, इसके दो पीस कर दो तो ये क्या रहेगा? इसकी सूरत तो नहीं बदली, ये दूध तो नहीं बना, ये सोना तो नहीं बना, ये भी टिश्यू है और ये भी टिश्यू। अगर कोई इंसान ये कहे ऐ अल्लाह जो तू है वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तू है, तो दौड़ना हो गए। कुल हुवल्लाहु अहद, हमने इब्तदा में आपको सुनाया था, कुल हुवल्लाहु अहद, वल्लाह एक है। प्यारे हबीब फरमा रहे हैं आयशा, जिस अल्लाह ने इतना इनाम किया, मैं उसका शुक्र गुजार बंदा ना बनूं? तो इबादत, रियाजत, मुजाहदे करके कोई बंदा फनाफिल्लाह के मकाम पे नहीं पहुंच सकता। ये मकाम ना कुरान से साबित है, ना हदीस मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु रातों को जागते, नमाज पढ़ते, और जब रात का आखिरी हिस्सा रह जाता तो फारूक आजम अपने घर वालों को उठाते, अस्सलाम अस्सलाम, नमाज नमाज नमाज, ये हुक्म देते, अपने बीवी बच्चों को नमाज के लिए खड़ा करते, और कुरान हकीम की सायत की तिलावत फरमाते, वामुर रहलका बिस्सलाह, अपने अहल वयाल को नमाज का हुक्म दो। ये हमें असहाब की सीरत से मिलता है, अपने घर वालों को नमाज का। हमारे यहाँ अल्लाह बचाए तो बचाए, अक्सर घरों का हाल क्या होता है, बाबा जी मस्जिद जा रहे होते हैं, सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग, वो जिक्र करते हुए सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हुए मस्जिद जा रहे हैं,
बेटे के हाथ में इस शहीने का रिमोट है, वो फिल्में देख रहा हूँ। उससे मुझे, बाबा जी आप मस्जिद में आए हो, फर्जंद औलाद जवान हो गई जी, उन्होंने दुआ करो अल्लाह हिदायत दे। मैं जुमला करूँ मुझे माफ कर देना, अल्लाह के लिए नहीं भी करोगे तो ग्यारहवीं की खीर खाने तो नहीं आया मैं आपके पास। ये बुढ़ापे में रोने वाले अक्सर खुद मुजरिम होते हैं, इल्ला मन रहम रब्बी। ये बुढ़ापे में मस्जिद जाकर मौलवियों के पास तावीज लेने वाले औलाद बड़ी नाफरमान है, मौलवी साहब तावीज ही नहीं छोड़ो, ये खुद मुजरिम है। उससे पूछिए कैसे मुजरिम है, मैं बताता हूं। शादी हुई, खुद तो सऊदी आ गए, खुद कुवैत चले गए, दूसरे मुल्कों में चले गए। अब बेगम साहिबा पूछती है जी, वो दिन नहीं गुजरता केबल लगवा दीजिए, मुझे कुर्बान चाहिए। बुढ़ी जी गाली पड़नी लगी नहीं पड़नी, वो घर के अंदर डिशीना केबल फिल्में गाने देखे जाते हो या नहीं जी? अभी औलाद आई नहीं है, औलाद से पहले ये सलूक हो रहा है। बच्चा आ गया, बेगम बच्चे को गोद में लेती है दूध पिलाने के लिए, हाथ में रिमोट है फिल्म देखने के लिए। अब वो जो कुछ देख रही है वही कुछ पिला रही है ना, जो कुछ देख रही है वही कुछ पिला रही है। मोमिना औरतों का हाल क्या होता है, वो दूध पिलाने से पहले भी अपने बच्चों के लिए उठती है, वजू करती है, वजू करके सीने से लगाती है, उनके मुंह में दूध जाता है और उनके कानों में माँ की आवाज से सूरत यासीन की आवाजें पहुंचते हैं, कुरान की तिलावत होती है। वो वजू करके अपने बच्चों को दूध पिलाए, वो कुरान पढ़ते हुए बच्चों को दूध पिलाए, तो बच्चा इब्ने तैमिया बनता है, बच्चा इब्ने सैय्यद बनता है, बच्चा मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब बनता है, अब्दुल अजीज आल सऊद बनता है, अलामा एहसान इलाही सहीर बनता है। वो कौम का लीडर, कौम का रहनुमा, कौम को शिर्क व बिदअत से निकाल कर तौहीद की राह पर चलाने वाला बनता है। और बच्चे को गोद में लेके पंजाबी ड्रामे फिल्में गाने गंदे से गंदा सीन देखने वाली उसकी गोद से परवान हाय जमालो चढ़ता है। फिर ये बाबा कहते हैं जी तावीज दे दो, औलाद खराब हो गई। औलाद को खराब हमने खुद किया है, गंदी फिल्में हमने घर में पहुंचाई है, इस शकीने की लालच हमने घर में पहुंचाई है, केवल हमने अपने 2 साल के मासूम की आंखों के सामने चलाई। वो 16 साल तक केवल देखता हुआ बड़ा हुआ, 18 साल का जवान हुआ, अब हम उम्मीद रखते हैं वो फजर की नमाज जमात से पढ़ेगा। इस जुर्म में हम खुद शरीक हैं, और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कोई अपने घर में केबल उतरवाने से पहले मर जाए, अपने घर से डिश एंटीना की लानत दूर करने से पहले मर जाए। अल्लाह ना करे कोई ऐसा बदनसीब भी हो, और अगर कोई ऐसा बदनसीब हुआ, मेरे जुमले जो जिम्मेदारी से अदा कर रहा हूं गौर से सुनना, इसके मरने के बाद भी वो गुनाह इसके खाते में चलता रहेगा, इसके पैसों से लगी हुई, इसके जेब से निकले हुए नोटों से आए हुए कनेक्शन वो इंटरनेट की सूरत में या वो बदकारी और बेहयाई के चैनल्स की सूरत में ये मर जाएगा, कब्र में पड़ा होगा और गुनाह वाला रजिस्टर चलता रहेगा। ये बदकारी का अड्डा खुद कायम कर दिया है। फारूक आजम अपनी औलाद को उठा दे, अपने घरवालों को उठा दे, उन्हें नमाज का हुक्म दे दे। फारूक आजम की ये सीरत मुझे और आपको दर्श देती है कि रमजान के अंदर अपने घरवालों को जगाए, उनको तहज्जुद का आदि बनाए, उनको रात की नमाज का आदि बनाए। अमीर मुमिनीन सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु वरदा इस कसर से नमाजें पढ़ते रमजान के अंदर और कुरान की तिलावत करते। अल्कमा कहते हैं मैंने रात इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु वरदा के साथ गुजारी, वो रात के पहले हिस्से में ही नमाज को शुरू कर देते और फजर से कुछ पहले भी तर अदा करते। रातों को क़याम करने वाले इस रमजान के अंदर बहुत बड़ा अमल तहज्जुद की नमाज का अदा करना। साहिब बिन यज़ीद कहते हैं कारी 200 आयात की तिलावत करता, हत्ता के हम आसा लकड़ी लाठी उसका सहारा लेकर खड़े हो जाते इस लंबे ख्याल की वजह से, और फजर से कुछ पहले ही फारिग होते। आज हमारा हाल क्या है, कौन सी मस्जिद में ज्यादा रश होता है जी तरावी में? माशाल्लाह जी, जिस इमाम का स्विच 220 पर लगा हुआ, जो पढ़े भी 4 वर्ग 8 तरावियों में और पढ़े भी फुल स्पीड से, वो माशाल्लाह मस्जिद किनारे तक। और जो इमाम थोड़ा सा प्यार से मोहब्बत से कुरान पढ़े और ज्यादा पढ़े, जी ज्यादा वजीब है, मेरा ईमान इतना मजबूत नहीं है, मैं दूसरी सीटें चला। ये सहाबा का हाल और ये हमारा हाल,
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए, जो इमाम के साथ क़याम का आगाज करे, इमाम के साथ क़याम का इख्तिताम करे, तो उसके लिए रात का क़याम लिख दिया जाता है। रमज़ान के अंदर एक और बहुत प्यारा अमल सदका व खैरात है। मुसलमान भाइयों पर सदका करना, गरीबों, यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों की मदद करना, उनके साथ तआवुन करना, अपना माल अल्लाह के लिए खर्च करना। याद कीजिए, कुआं समझते हो ना, कुआं उसमें पानी होता है, कुएं से जितना पानी निकाल लो तो नीचे से ताज़ा पानी और आता है या नहीं जी? और जिस कुएं से पानी का डोल ना निकाला जाए वो खड़ा खड़ा बो मार जाता है, उसमें तो और नहीं आता ना। ये मिसाल है सदके की, जो अल्लाह के लिए अपनी जेब से निकालता है अल्लाह उसकी जेब में उससे ज्यादा डाल देता है, और जिसकी जेब बंद है वो सारी उम्र गिनता गिनता मर जाता है, वो अल्लाह की तौफीक से खुद खबर में जाता है और पिछले फिर उसके खूब मजे करते हैं। तो अपना माल खुद तो खाओ। प्यारे हबीब ने आगे सैयदा कायनात से पूछा, वो बकरा भी बाकी आपका कुछ बचा है, कुछ है जोश? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ एक रान बच गई, बाकी तो सारा बांट दिया। कहा, नहीं आयशा, जो बकरा है वो बचा है, जो गरीब के मुंह में गया है उसका अजर हमें कयामत के दिन मिलने वाला है। जो ये एक रान रह गई है ये तो हम खा के खत्म कर देंगे, बचेगा वो जो हमने अल्लाह को दे दिया। प्यारे हबीब अलैहि सलातु वस्सलाम, तिरमिज़ी में आपका ये अमल मौजूद है कि आप बड़े सखी थे और रमज़ान का महीना आता तो तेज आंधी की तरह, तेज हवा की तरह प्यारे हबीब अलैहि सलातु वस्सलाम अल्लाह के रास्ते में सदका व खैरात करते। उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं, प्यारे हबीब अलैहि सलातु वस्सलाम ने सदके के लिए हमें हुक्म दिया तो उस दिन मेरे जी में आया कि आज मैं अबू बकर को हराऊंगा, उससे ज्यादा सदका करूंगा। मैं अपने घर में गया, घर का सारा माल इकट्ठा किया, उसको आधा आधा किया, आधा घर वालों की जरूरत के लिए छोड़ा, आधा लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ। और जी में मेरे ये है कि आज जीत गया मैं अबू बकर से, आज मैं नंबर ले जाऊंगा। थोड़ी देर गुजरी, प्यारे हबीब पूछते हैं, उमर क्या लाए हो? कहा, ये आपके कदमों में है। कहा, घर वालों को क्या देकर आए हो? कहा, इतना ही घर वालों को दे आया हूँ। सिद्दीक अकबर आए, अपना सारा सामान ढेर कर दिया। प्यारे हबीब ने पूछा, अबू बकर क्या लाए हो? कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर में जो कुछ था वो सब आपके कदमों में ढेर कर दिया है। अबू बकर घर में क्या छोड़ कर आए हो? कहा, अबू बकर के घर के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का चराग जल रहा है। फारूक आजम कहते हैं, मैंने फैसला कर लिया आज के बाद जिंदगी में कभी अबू बकर से मुकाबला नहीं करना, मैं अबू बकर से नहीं जीत सकता। प्यारे हबीब अलैहि सलातु वस्सलाम के अस्हाब की तरबियत का हाल देखिए। तलहा बिन उबैदुल्लाह प्यारे हबीब के साथियों में से एक दिन अपने घर में आते हैं, परेशान हाल घर में दाखिल होते हैं। बीवी पूछती है, चेहरे से परेशानी टपक रही है, क्या माजरा है? जवाब में कहते हैं, परेशान इसलिए हूं कि मेरा माँ बहुत ज्यादा हो गया और उसकी कसरत ने मुझे परेशान कर दिया। कहा, परेशानी की क्या बात है, अल्लाह के रास्ते में मार दीजिए, अल्लाह के नाम पे सदका कर दीजिए। तलहा बैठ गए अपना माल बांटने के लिए, बांट रहे हैं, सारा माल खत्म हो गया। साहिल पूछता है कि तलहा के पास माल कितना था? कहा, 4,00,000 दिरहम थे जो तलहा ने अल्लाह के रास्ते में बांट दिया। मोमिनों की घरवालियां भी अहले ईमान हुआ करती, वो अजीब थे, उनकी बीवियां भी। अल्लाह माफ फरमाए अगर आज किसी से पूछा जाए तो खामिद अपने घर में आए और कहे जी, वो कहे जी, बेगम साहिबा बड़ा परेशान हूँ, माल बहुत है, बैंक बैलेंस बहुत है। कहेगा, टुट पैने यार, 8-10 तोले का सोने का जेवर का सेट ही ले दे। ये मजलिस कितनी पुरानी होगी, 3 साल पहले आएगी, ये बदल दे, काली बदल दे, पर्दे नहीं लगा दे, बच्चों की जूतियाँ ला दे, तुझे लोग ही नजर आते हैं, बेगम नजर नहीं आती। फरमान चाहे उनकी असमतों पर, खामिद परेशान है माल की सियादती की वजह से, पर बीवी कह रही है इसको अल्लाह के रास्ते में क्यों नहीं दे देते? नेक लोगों की घर वाली भी नेक दुआ करती है। तो ऐ प्यारे भाई, इस रमजान के मुबारक महीने में अपने गिरदो पेश में देखिए, कोई यतीम है, कोई मिस्कीन है, कोई बेवा है? अहले तौहीद शर्त है, अहले तौहीद का माल अहले तौहीद पे खर्च हुआ करता है। अहले शिर्क को करीब करने के लिए हदिया तोहफा बहाल किया जा सकता है, लेकिन पहला है उन पे खर्च कीजिए, भूखों को खाना खिलाइए,
اور یہ عمل کتنا پیارا ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، اہل ایمان کی کیفیت مالک بیان کرتا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اہل ایمان اللہ کی محبت میں آ کر یتیموں، مسکینوں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے، اور وہ کھانا کیوں کھلاتے؟ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں، اللہ نے ہمیں مال دیا ہے وہ تم پہ صدقہ کر رہے ہیں۔ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ہم نہ تم سے جزا چاہتے ہیں، بدلہ چاہتے ہیں، نہ مہربانی مہربانی کی صدائے چاہتے ہیں، ہم تو تمہیں اس لیے کھلا رہے ہیں جس اللہ نے یہ مال دیا ہے اس نے کل کو حساب بھی لینا ہے۔ اور مبارکات کا مستحق ہے میرا وہ بھائی جس کا مال لے کے دینا ہے، آپ رمضان سے ایک ہفتہ پہلے جوتی بھی خرید لیں، کپڑے بھی خرید لیں،
जो घर का किचन का सामान है वो भी खरीद ले, रमजान की रात है तो अल्लाह को राजी करने में। इतना रश मस्जिदों में नहीं होता जितना मार्केटों में, पार्किंग की जगह नहीं मिलती, घंटा घंटा इंसान मार्केट के गेड़े निकालता रहता है। ये प्यारे औकात को बर्बाद करना नहीं है तो क्या है, खाना खिलाना है ईमान को कितना प्यारा था। अब्दुल्लाह इब्ने उमर, मालिक इब्ने दिनार, अहमद इब्ने हंबल, ये अपनी अफ्तारी लोगों में बांट दिया करते थे, हालांकि खुद भी रोजे से दुआ करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते, तुम उस वक्त तक जन्नत में नहीं जा सकते जब तक मोमिन ना बन जाओ, और उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक आप इसमें मोहब्बत ना करने लगो। तो ये दावतें, ये मोहब्बतें बढ़ाने का एक जरिया है, लेकिन इसको इसके हद में रखा जाए, इसके हद से तजावुज ना किया जाए। और अफ्तारी करवाना, बाद लोग कहते हैं वो जो मस्जिदों के बाहर सऊदी खेमे लगा देते हैं उसमें अफ्तारी करना जायज़ नहीं है। क्यों जायज़ नहीं है? कोई गरीबों यतीमों के लिए नहीं प्यारे भाई, ऐसी बात नहीं, ये मुसलमान का मुसलमान के लिए हदिया है, वो आपके अजर व सवाब में शरीक होना चाहता है तो कोई हरज नहीं। अच्छा, मैं इसका एक फल आपको और पेश कर देता हूँ। आप चाहते हैं आपने 100 रियाल 200 रियाल अपनी इफ्तारी के लिए बजट रखा हुआ है, 300 रियाल मैंने अपने रमजान में अपने रूम में बैठ के अकेले इफ्तारी करनी है, तो आप इससे अच्छा काम करें, ये 300 रियाल इंडिया भेज दें, पाकिस्तान भेज दें, जहाँ के आप रहने वाले हैं अपने मुल्क में भेज दें, और वहाँ किसी मस्जिद में अहले ईमान की इफ्तारी करवा दें, और खुद उस मुसलमान भाई के खेमे में इफ्तारी कर लें, आपके सवाब में वो मुसलमान शरीक हो जाएगा और आप अपने इलाके में इफ्तार करने वाले भाइयों के रोज़ों का अजर पाएंगे। तो इफ्तारी करवाइए, लेकिन हद के अंदर रहते हुए, हद से तजावुज ना किया जाए। कुरान पाक की तलावत करना इस रमजान के महीने में, ये माह रमजान खास तौर पर कुरान का महीना है, बाकी सारे कामों से फारिग हो जाए, छोड़ दे ना, आज पूरे महीने में जियो में खबरें देखनी है ना क्रिकेट मैच देखने हैं। ये क्रिकेट मैच तो वैसे ही बर्बादी है जो अहले ईमान का रिश्ता उसके अल्लाह से तोड़ देते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जिनके घर में टीवी सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की मैचों क्रिकेट टीमों के मैच देखने के लिए आया, फिर दोबारा नहीं निकला, आया था क्रिकेट के नाम पे, दीनदार लोगों के घर में फिर वो वहीं पर रह गया और बच्चों को भी बर्बाद कर दिया और औरतों को भी बर्बाद कर दिया। ये नमाजों से रोकने वाला अमल है, ये नमाजों से रोकने वाला अमल है। कितने ही वो नमाजी हैं कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल लगा हुआ हो तो वो दरवाजा बंद कर देते हैं कि अजान की आवाज़ अंदर ना आए, आज मैच लगा हुआ, तो ये अल्लाह की याद से गाफिल करने वाला काम नहीं है। हर चीज से हाथ धो लीजिए, कुरान से जुड़ जाइए। अहले ईमान का हाल क्या है? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह हदीस पढ़ने पढ़ाने की मजलिसों को रमजान में छोड़ दिया करते थे। हम तो कह रहे हैं अखबारें चढ़ा पढ़ना छोड़ दो, आम दिनों में भी रमजान के अंदर लाजिम, फिल्में खबरें ड्रामे इन सारे दिनों से जिंदगी भर के लिए तौबा कर लो और रमजान में खसूसी तौबा कर लो। इमाम ज़ोहरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पढ़ाने की मजलिसों में शरीक नहीं हुआ करते थे और कहा करते थे रमजान का महीना तो कुरान का महीना है, इस महीने में कुरान को पढ़िए, कसरत से पढ़िए, कुरान को समझिए, सिर्फ तोते की तरह सूरह फातिहा से सूरह नास तक रटे ना मारिए, माशाल्लाह मैं 5 कुरान खत्म कर ले। अरे भाई, उस 5 दफा पढ़ने से बेहतर है कि आप 1 दफा तर्जुमे के साथ तो पढ़ लो, आपको समझ तो आए किसमें मेरा मालिक क्या कह रहा है, पल्ले ना पड़े और आप रटे मारते जाए, उसका सवाब आपको जरूर मिलेगा, लेकिन जहन्नम से निजात के लिए उसका समझना भी बहुत जरूरी है। इस कुरान से अपना रिश्ता जोड़िए, उन गुमराह मौलवियों से रिश्ता तोड़िए जो पट्टी बढ़ाते, कुरान समझने के लिए 15 कानून की जरूरत है, खबरदार तर्जमे वाले कुरान को हाथ ना लगाना, गुमराह हो जाओगे, तेरे बदला गुमराह कोई और जमेगा जो कुरान से रोकता है। कुरान पढ़ के इंसान हिदायत पाता है या गुमराह होता है? इसके दिल में ईमान की शमा जल रही होती है, हिदायत को तलाश करता है तो हिदायत का नूर से मौलवियों की किताबों में नहीं अर्श वाले के कलाम में मिलता है। इस कुरान से ताल्लुक लगाइए, ताल्लुक जोड़िए। सुफियान थौरी रहिमहुल्लाह इस रमजान के अंदर बाकी सारी मजलिसों को तरह करके कुरान की मजलिस में बैठ जाते, कुरान पढ़ते। सही बुखारी में है प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इब्ने मसूद से कहा, इब्ने मसूद मुझे कुरान सुनाओ। कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको कुरान सुनाऊं? कुरान तो आप पे नाज़िल हुआ है। कहा मेरा जी चाहता है मैं किसी और से कुरान सुनूं। इब्ने मसूद ने सूरत निसा पढ़नी शुरू की और जब इस आयत पे पहुंचे, फकैफ इज़ा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद वा जिना बिका अला हाउलाए शहीदा, प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं खामोश हो जाओ, हस्ब बस करो। इब्ने मसूद कहते हैं मैंने
نگاہوں کو اٹھایا محمد کریم کے مبارک مکھڑے کو دیکھا تو آنسوں سے بھرا ہوا تھا۔ پیارے حبیب علیہ السلام تو بس سلام اس منظر کو یاد کر کے رونے لگے۔ پہلی دن ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اف من ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبكون تو اہل صفہ رونے لگے، ان کو دیکھ کر پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے اور آپ کو دیکھ کر تمام اصحاب رونے لگے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ جو قرآن جو اللہ کے ڈر سے روتا ہے، جو مالک کے عذاب کے ڈر سے روتا ہے، ایسے چہرے پہ اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ تو قرآن سے رشتہ لگائیے، ہم روئیں گے کب قرآن کو پڑھتے ہوئے؟ جب ہمیں سمجھ آئے گا، جب ہمارے پلے پڑے گا، جب ہمارے دل میں اترے گا، تبھی ہماری آنکھوں سے آنسو بہیں گے۔ اور جب تک ہمیں پتہ ہی نہ ہو اس آیت کا معنی کیا ہے، یہ آیت درس کیا دیتی ہے، روکتی کس بات سے ہے، مسجد کے اندر فجر کی نماز ادا کر کے بیٹھنا یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے اور پھر انسان دو رکعتیں پڑھ کے اس مسجد سے نکلے، یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ صحیح مسلم میں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے، سنیے۔ آپ فرماتے ہیں جب فجر پڑھ لیتے آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہتے، پیارے حبیب فجر کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھے رہتے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا، اللہ کا ذکر کرتے رہتے اور پھر دو رکعت پڑھ کے اس مجلس سے اٹھتے۔ تو آپ نے فرمایا جو فجر پڑھ کے مسجد میں بیٹھے، اللہ کا ذکر کرے اور پھر دو رکعت ادا کرے، اللہ اس کو حج اور عمرے کا ثواب دیتا ہے پورے کا پورے کا پورے کا۔ حج پہ جاتے ہوئے کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ 5000 ریال کم از کم لگتے ہیں نا، خزری کے ساتھ حج کرو گے 5000 لگتے ہیں، اور ڈیلی آپ کو حج کا ثواب، عمرے کا ثواب، پورے کا، مقبول کا۔ اس سے بڑی اور کیا نیکی ہے؟ یہ عام دنوں کا حال ہے، اور رمضان کے دنوں میں یہ ثواب کتنا بڑھ جائے گا۔ اسی طرح اعتکاف میں جیسا عمل ہے جو رمضان کے مہینے میں، صحیح بخاری میں ہے پیارے حبیب علیہ السلام ہر رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کرتے، اور جس سال پیارے حبیب علیہ السلام فوت ہوئے اللہ کی جنتوں کے مہمان بنے، اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ رمضان کے اندر عمرہ کرنا ایک ایسا عمل ہے، صحیح بخاری میں پیارے حبیب علیہ السلام کا یہ فرمان ہے جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس کو اتنا ثواب ملتا ہے گویا اس نے حج کیا، اور ایک روایت میں یہ ہے گویا اس نے محمد رسول اللہ کے ساتھ حج کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان کے اندر اور آخری عشرے میں رمضان کی ایک بہت پیاری رات جسے شب قدر کہا جاتا ہے، وہ رات جو ایک رات کی میں اللہ کی عبادت ہزار ماہ کی عبادت سے بہتر ہے، 21ویں رات، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان 7 راتوں میں اس رات کو تلاش کیا جائے اور اس میں اللہ کے لیے عبادت کی جائے۔ پیارے حبیب علیہ السلام کا فرمان سنیے، من قام لیلۃ القدر، جو شب قدر کو قیام کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، جاگتا ہے، اس کو کیا ملے گا؟ شرط کیا ہے؟ ایمان ہو، احتساب، مشرک نہ ہو، پھر اسی جہاں سے آغاز ہوا تھا وہی پہ اختتام ہو رہا ہے۔ وہ شب قدر کو قیام کرے، مشرک نہ ہو، وہ پیر دیتا نہ ہو، وہ پیر بخش نہ ہو، وہ نبی بخش، علی بخش، امام بخش، عبد النبی، عبد الرسول، عبد الحسین، عبد الحسن، عبد الزہرا نہ ہو، وہ عبد اللہ ہو، اس کی گردن چھکے تو اللہ کے لیے، وہ طواف کرے تو اللہ کے لیے، وہ ذبح کرے تو اللہ کے لیے، وہ نظر دے تو اللہ کے لیے، وہ پکارے تو یا اللہ، وہ مانگے تو کہے یا اللہ، اس کے دل میں جو ڈر ہے وہ اللہ کا، اس کے دل میں جو محبت ہے وہ اللہ کی، اللہ والی محبت کسی اور سے نہ کرتا ہو، اللہ والا ڈر کسی اور کا نہ ہو۔ یہ نہیں کہ مظفر آباد سے بس نکلی ہے اور میرے سہیلی سرکار کی صندوقڑی میں 100 روپے ڈال دی ہے، اس سے پوچھو ابھی ابھی تو آپ نے سواریوں سے ٹکٹ لیا نہیں، اور میں نے اسے نہیں جاننے ہونا ہے، بڑے پیر صاحب ہونے نے ادھر اگر پیسے نہ دو جلدی بس لوگ اٹھا کر دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کا وہ خوف نہیں ہے جو مردوں کا خوف دلوں میں بٹھا ہے۔ آپ نے دیکھا گاڑیوں کا آگے چوتی بندی بھی دیکھی ہے کبھی؟ گاڑی کا آگے چوتی بندی بھی دیکھی ہے؟ مکان کے اوپر کالی ہڈیا الٹی دیکھی ہے؟ کیوں رکھتے ہیں؟ تسی نہیں جاننے ہونا ہے، چوتی اگے بڑھ لو تو ایکسیڈنٹ نہیں ہونا نا، یہ ہڈیا نہیں، نظر بد نہیں لگتی، سر پہ ہڈیا رکھ لو، گلے میں چوتیوں کا ہار ڈال لو، تمہیں بھی نہیں لگے گی۔ اتنا رکھتا ہی بھائی نہیں نہیں رواج، جس قوم کا عقیدہ چوتیوں پہ آ جائے میں اللہ کو واسطہ دے کے پوچھتا ہوں اس کے سر میں یہود و نصارا کی چوتیاں نہیں بن سکیں گی؟ آج یہود و نصارا مسلمانوں پہ ظلم کی چکی چلا رہے ہیں، وہ شام کا میدان ہو یا افغانستان کا میدان ہو یا کشمیر کا میدان، ہر طرف مسلمان کٹتے پڑتے نظر آ رہے ہیں۔ کیوں؟ رحمان سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے، رحمان سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے، توحید کی غیر
मैंने अपनी आंखों से देखी मेरे पास मौजूद है। अल्लाह की कसम बाबा आदम नामी एक बाबा जो सर के बालों से लेके पांव के नाखून तक नंगा है वो एक पार्क में बैठा है और सैकड़ों के हिसाब से नौजवान लड़किए वो पार्क बंद है गेट लगा हुआ है उसकी चाबियों में उंगलियां लेके कश्मीरी जुबान में बाबा 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 तो रोई खुदा दी बाबा कुछ तो कर्म कर दे। उस नंगे को पुकार रही जिसने अपने जिस्म पे एक बालिश कपड़ा नहीं रखा उसकी शर्मगाह में भी नंगी है। सोफे की कुर्सी पे बैठा हुआ उठ के नीचे आता है 18-19 साल की लड़की थालों में खाना सजा के उसके कदमों में आगे बैठती और वो नंगा बैठ के उनके सामने खाना खा जी तो उसे नहीं समझते पहुंची सरकार है ए पहुंची सरकार होती सुथर तो पा लेती जिसको शर्मगाह डालने की तमीज नहीं है वो पहुंची सरकार बना दी। इस तौहीद की अकीदे को तर्क करने की बिना पे आज जिल्लत अहले ईमान में मुसल्लत कर दी गई है जो शबे कदर में जागे शर्त क्या है ईमान की हालत में हो मुशरिक ना हो गैरों से डरने वाला ना हो उनके सामने झुकने वाला ना हो जिंदगी भर के अपना गुनाहों को माफ कर देता है। इस रमजान के अंदर कसरत से अल्लाह का जिक्र करें दुआएं करें हर रात के तीसरे पहर मालिक आसमान दुनिया में नजूर फरमाता है जैसे उस अल्लाह की शान को लाइक है नहीं सके इतनी भी शही उसकी कोई मिसाल और कैफियत बयान नहीं हो सकती और आवाज लगाता है कोई है मांगने वाला कोई है सवाल करने वाला किसी ने गुनाहों से माफी मांगनी है रहमान उसके माफ करने के लिए अल्लाह की तरफ से आवाजें गूंज रहे कोई फकीर है तो आज उसका दाता उसे देने के लिए पुकार रहा है। उस वक्त सबका हाल क्या होता है इल्ला मा रहम रब्बी क्या कर रहे होते हैं उस वक्त जब अल्लाह कह रहा था कोई है सवाली आ जाए ले ले हम सारे क्या करते हैं सो रहे होते हैं सुबह उठ के क्या करते हैं अखा मारते साड़ी सुनता कोई नहीं बाबे नहीं मोड़ता गाड़ी गड़ा दे मेरे दे होते हैं अल्लाह तो कहता है कोई है सवाली हम कहते नहीं अल्लाह इनके दरबार पे आएंगे ये उनसे लेके देंगे अजी नहीं आप मानते नहीं हो आप तो हुए जो गुस्सा कोठे पे चढ़ना तो सीढ़ी नहीं लगानी पड़ती बादशाह को मिलना तो वजीर नहीं पकड़ना पड़ता डायरेक्ट या अल्लाह कहते हो हम कहते हैं तुम्हें शर्म आती है खाली को मखलूक की मिसालों के साथ तशबीह देते हो अरे भाई मान लेते हैं कोठे पे चढ़ने के लिए सीढ़ी लगानी पड़ती है कोठा 20 फुट ऊंचा है मेरे रब की रहमत तो तेरी शहरत से भी ज्यादा करीब है ये 20 फुट दूर नहीं मानता हूं आखिरी बात करके अपनी बात खत्म करता हूं मानता हूं बादशाह को मिलने के लिए वजीर पकड़ना पड़ता है मानता हूं क्यों इसलिए कि बादशाह के दरवाजे बंद होते हैं रहमान का दरवाजा खुला है वो बंद नहीं होता। प्यारे हबीब फरमाते हैं रात का अंधेरा फैलता है मेरा मालिक अपने हाथों को फैलाता है आवाज लगाता है दिन की रोशनी में गुनाह करने वाले अंधेरों में माफी मांग ले सब कुछ मांग सूरज निकलता है मालिक फिर अपने हाथों को फैलाता है अंधेरों में छुप के गुनाह करने वाले रोशनी में माफी मांग ले सारे माफ कर बादशाह के लिए वजीर की जरूरत है कि उसका दरवाजा बंद है रहमान का दरवाजा बंद बादशाह के लिए वजीर की जरूरत है मैं भी मानता हूं क्यों इसलिए कि बादशाह के दिल में मेरे लिए कोई रहम का जज्बा नहीं है और मालिक प्यारे हबीब की मौजूदगी में एक औरत जो अपने बच्चे को गुम कर चुकी है उसको तलाश करती है मिल जाने पे छाती से लगाती है दूध पिलाती है चूमती चाटती है प्यारे हबीब अपने असहाब से कहते हैं मेरे सहाबा क्या ये औरत अपने इस मासूम को आग में फेंक देगी कहा नहीं या रसूलल्लाह नहीं फेंकेगी ये नहीं फेंक सकती कहा ये औरत अपने बच्चे से उतनी मोहब्बत नहीं करती जितना रहमान अपने बंदों से करता है अल्लाह तुझे तेरी इसी मोहब्बत का वास्ता है हम जितने बैठे हैं हम सब के चेहरों को जहन्नम की आग से महफूज फरमा हम सबको जन्नत और फिरदौस में मोहब्बत का पड़ोसी बना दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मानता हूं बादशाह के लिए वजीर की जरूरत है क्यों इसलिए कि बादशाह अगर मुझे 1 लाख रुपया भी देगा तो उसके अकाउंट में से तो 1 लाख माइनस हो गया ना उसको दर्द होगा देते हुए 1 लाख कम हो गया और रहमान के खजाने मेरे सच्चे करीब नवाज और बंदा नवाज और बंदा फरमर के खजाने कैसे हैं वो मालिक फरमाता है ए इंसान और जिन तुम सारे अगले पिछले एक मैदान में इकट्ठे हो जाओ मांगना शुरू कर दो मैं अपनी
से नहीं, तुम्हारी डिमांड के मुताबिक तुम्हें देना शुरू कर दूं। जो मांगो दे दूं, जो मांगो दे दूं, झोलिए भर दूं, मेरे खजाने में इतनी कमी नहीं होगी जितनी सुई को समंदर में डाल के निकाल लो। सुई तो समंदर के चंद कतरे कम कर सकती है, रहमान पूरी कायनात को भी खिला दे तो उसके खजानों में। क्यों? क्योंकि रहमान का लंगर तुम्हारे चंदों से नहीं चलता। बाबा अजमेर वाले की देख तुम्हारे चंदों से चलती है। बाबा अजमेर का उर्स तुम्हारे चंदों से लगता है। तुम चंदा दोगे तो दे, चंदा दोगे तो क्या की खीर, चंदा दोगे तो कुछ होगा। मेहमान को तुम्हारे चंदों की जरूरत। वल्लाहि खसाइन समावत और रहमान, और रहमान ने जमीन और आसमान के हर खजाने की कुंजी मेरे मौला के पास है। वजीर जरूरी है बादशाह के लिए, क्यों? क्योंकि वजीर बादशाह वजीर से डरता है। अगर इसकी बात ना मानी, साजिश करके पट्टा ना उलट दे, तख्ता ना उलट दे, डरता है नहीं, डरता है। और रहमान किसी से जो डर जाए वो रहमान और रहीम मालिक हो सकता? कायनात के सबसे प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत के मैदान में माथा फटा, दंदान शहीद हुए, गड्ढे में गिरे, क्या जुबान से जुमला निकला, क्यों उफ़ा, ये फला पाएंगे जिन्होंने रसूल के माथे को फाड़ दिया। हालांकि रसूल इन्हें जन्नत की तरह बुलाता है, कहा या नहीं कहा प्यारे नबी ने कि ये फला नहीं पा सकते? मालिक की तरफ से कुरान नाज़िल हुआ, लैस लका मिन अल-अम्र शै, ऐ मोहम्मद अलैहि सलातु व सलाम, आपका कंट्रोल और इख्तियार नहीं है। मैं चाहे इनको अगवा दूं, चाहे इनको माफ करूं, इन्होंने जुल्म किया है। पासा पलटने वाले खालिद इब्ने वलीद थे ना जंग का, फिर खालिद इब्ने वलीद सैफुल्लाह बने या ना बने? वजीर जरूरी है बादशाह के लिए, वजीर जरूरी है बादशाह के लिए कि बादशाह उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होके अपने कानून को बदल देता है। और रहमान अपने कानून को वो किसी की मोहब्बत में मजबूर, वो तो कहता है वलौ तक़व्वला अलैना बाद अल-अक़ाबील लअख़ज़ना मिन्हु बिल-यमीन थुम्मा लकत्तअना मिन्हु अल-वतीन फमा मिन्तुम मिन अहदिन अन्हु हाजिज़ीन। अगर मेरे रसूल अपनी तरफ से मेरे दिल में कोई बात लगा दे जो मैंने ना कही हो, मैं दाएं हाथ से पकड़ के शहरत को काट दूं, तुम में से कोई अपने रसूल को छुड़ा भी ना सके। अच्छा चलो सारी बातें छोड़ो, मान लेते हैं कि बादशाह के लिए वजीर जरूरी है। अगर बादशाह कहीं डायरेक्ट आपको मिल जाए, आपको बादशाह सलामत अल्लाह के लिए आया, मिसाल समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूं, आपकी मुलाकात हो जाए मनमोहन सिंह साहब के साथ, नवाज शरीफ साहब के साथ, खालदा जिया साहबा के साथ आपकी मुलाकात होगी, बादशाह वक्त आपके सामने बैठा और कहता जी हाँ जी क्या काम है आपको बताइए। अकलमंद आदमी क्या करता है, जेब से फौरन दरखास्त निकालेगा, मेरे मुंडे की नौकरी लगा दो, इस्लामाबाद में कोई प्लाट ले दो, अमरीका का वीजा लगा दो। करोगे? फौरन दरखास्त रख दोगे, अकलमंद आदमी। और बेवकूफ क्या करेगा? ओ नहीं जी नहीं, मैं कोई वहाबी हूँ जो आपसे ब्रेक मांग लूँ, ये तो बड़ी गुस्ताखी है, मैं आपसे सवाल करूँ, आप इस्लामाबाद जाइए, आप दिल्ली जाइए और मैं मुल्तान शरीफ जाता हूँ, वहाँ के MLA को लेके MLA साहब को लेके आऊँगा और फिर वजीर आजम की सिफारिश करवाऊँगा और फिर मैं आपके लिए के जरिए आपसे टाइम लूँगा और फिर इन सारे वास्तों के बाद दरख्वास्त दूंगा। बेवकूफ आदमी, मैं तेरे सामने बैठा हूँ, ना MLA की जरूरत, ना MPA की जरूरत, ना किसी और, दरख्वास्त देनी चाहिए या नहीं बोलो? देनी चाहिए। प्यारे हबीब की हदीस मैंने आपको सुनाई, रात का आखिरी पहर होता है, मालिक अर्शे मौला से आसमाने दुनिया पे नज़ूल फरमाता है, लैस कमिस्लिही शै, उसकी कोई मिसाल और कैफियत बयान नहीं हो सकती, जैसे उसकी शान के लायक है और आवाज पड़ती है कोई मांगने वाला, है कोई सवाली, है कोई फकीर? दरख्वास्त देनी चाहिए या वास्ते पंजन पाका डालना चाहिए? अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें तौहीद का फहम बता, अल्लाह हमें शिर्क से बचाए, बिदआत से बचाए, मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जिंदा रखे, प्यारे हबीब की मोहब्बत पे जिंदा रखे, कुरान की मोहब्बत पे जिंदा रखे, ईमान पे जिंदा रखे। अल्लाह जब तक जिंदा रखना तौहीद पे रखना, जब मौत देना तौहीद की दावत देते हुए शहादत की मौत देना। अल्लाह क़यामत के दिन हम तेरे दरबार में इस हाल में पेश हों कि हमारे जख्म खुले हुए हों, खून बहता हो, रंग खून का हो, खुशबू कस्तूरी की हो, और तू पूछे बंदे तूने ये क्यों किया, तो हम कहें ऐ अल्लाह जान तूने दी थी तेरी तौहीद का आवाज़ा लगाते हुए अहले शिर्क के हाथों शहीद होके तेरे दरबार में आए। अल्लाह
अल्लाह तुझे तेरे प्यारे चेहरे का वास्ता है मौला, हम जितने यहाँ बैठे हैं सबको जन्नत फिरदौस में इकट्ठा फरमाना, प्यारे हबीब के पड़ोस में इकट्ठा फरमाना। अल्लाह जन्नत की सबसे बड़ी नेमत मौला, जन्नत की सबसे बड़ी नेमत तेरे प्यारे चेहरे का दीदार होगा। रब्बा हमें भी उन प्यारों में शामिल कर दे, हमें भी उन प्यारों में शामिल फरमा दे, अपने फजल से अपने करम से अपनी रहमत से हमारे आमाल इस काबिल नहीं मौला, अपनी रहमत से हमें भी उन प्यारों में शामिल कर दे जो जन्नतुल फिरदौस में नूर के मिंबरों पे बैठ के तेरे प्यारे चेहरे का दीदार करेंगे। अकुलु कौली हादा वस्तगफिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तगफिरूहु इन्नहु वल गफूरु रहीम। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अहसन अल जज़ा फिद दुनिया वल आखिरा। अल्लाह ताला जल्ला शानहु शेख मोहतरम को इसकी जज़ाए खैरा